जो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट है इनका एक मेन एजेंडा है हिंदुत्व के बेस पर हमारा देश को एक हिंदू देश बनाने का साजिश है। ये बहुत सालों से चल रहा है। अभी बैकडोर में यूसीसी लाने का बहुत सारे हरकतें कर रहे हैं और इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए वक्फ बिल को इंट्रोड्यूस करने का कोशिश भी किया है, लेकिन ये सक्सेस होने का कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि पूरे आम तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत एक बेदारी भी आया है और इवन अपोजिशन पार्टी भी पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है, लेकिन वो अपोजिशन पार्टी कितना काम करता है नहीं करता है अलग बात है, लेकिन एज ए एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मुहिम करने के लिए ऑलरेडी हम लोग प्लान भी किए हैं। 3-4 दिन पहले हमारा नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग हुआ था त्रिवेंद्रम में, उसमें भी हम बहुत सारे डिसीजन हम लोग लिए हैं। उसमें नंबर वन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तादाद में प्रोटेस्ट करना है और अलग अलग सिटीज़ के अंदर हम लोग यानी ये सेमिनार ये करके उसमें बेदारी लाने का बहुत सारे कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं। और उसके अलावा इवन हम लोग अगर ये वक्फ बिल अगर एनैक्ट होता है तो डेफिनेटली वी विल चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। हरगिज़ नहीं करते, हम पूरे हिंदुस्तान का दिशा CAA के खिलाफ आवाम को ये हम लोग लीड किए हैं, उसी तरह हम लोग भी वक्फ बिल और बैकडोर में CAA लाने के लिए कोशिश करते हैं। हम लोग हरगिज़ इसको छोड़ते नहीं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको विरोध करेंगे।